आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री सम्मान्य कृष्ण पाल जी, बड़कल से हमारी विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, ईएसआईसी के हमारे डीजी श्री राजेंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, फरीदाबाद ईएसआईसी के डीन डॉक्टर असीम दास जी, उपस्थित अधिकारीगण, इस ईएसआईसी कॉलेज के सभी फैकल्टीगण और हमारे सारे स्टूडेंट्स और कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं ईएसआईसी के हमारे डीन और फैकल्टी को एक बात का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि नेता बात करके चले जाते हैं फिर वापस आते ही नहीं हैं। तो मैं जब पिछली बार आया तो स्टूडेंट से मिला था, बातचीत हुई थी, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे लिए गेम्स की फैसिलिटी के लिए जिम होना चाहिए। तो डॉक्टर दास को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं दोबारा आया तो जिम का उद्घाटन करने के लिए। जब जिम देखा तो मैंने कहा केवल लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है, बोले है तो है ना उनका भी। तो अब कुछ तो हमारी विधायक बैठी हैं बहन हमारी सीमा त्रिखा, उनसे उसका उद्घाटन जरूर करवा लेना। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हमने ईएसआईसी में आयुष को भी जोड़ा है और इसलिए जिम तो बना ही है, लेकिन अगर कोई खाली जगह हो तो वहाँ पर एक रोज योगासन करने का भी एक हॉल जरूर बने, ताकि जो स्टूडेंट योगासन भी करना चाहें, अपनी लाइफ में जोड़ना चाहें, उनके लिए भी सुविधा और इंस्ट्रक्टर दोनों उपलब्ध हो, उसकी भी व्यवस्था कर ली। और आज ये एक सुखद संयोग था कि प्रधानमंत्री जी की 99वीं मन की बात हम सुन रहे थे, और मन की बात को जब सुन रहे थे तो आज उनकी मन की बात का संयोग से जो सब्जेक्ट था, वो जिसको हम अंगदान कहते हैं, ऑर्गन डोनेट करने का विषय है, वो आज उनके मन की बात का विषय था। ईएसआईसी के अस्पताल में फरीदाबाद में ये संयोगिता कि हमने बोन मैरो की यूनिट का उद्घाटन किया, ईएसआईसी का जो फरीदाबाद का हमारा अस्पताल है, ये हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जिस पर पूरे ईएसआईसी को गर्व है और यहाँ की फैकल्टी के डेडिकेशन को भी गर्व है। यहाँ पर हमने सबसे पहले कैथ लैब को शुरू करा, आज तो हमारी 3 कैथ लैब हो गई हैं और अभी हम अपने कैथ लैब का विस्तार कर रहे हैं। और फरीदाबाद में कुल मिलाकर के हरियाणा में 23 लाख हमारे बीमित हैं, पर हर चौथा हमारा जो आईपी है वो फरीदाबाद में है, तो हरियाणा का हर 4th आईपी, क्योंकि 23 लाख हरियाणा की संख्या है और 5 लाख हमारे फरीदाबाद की है। पूरे 90 लाख लाभार्थी हमारे हरियाणा में हैं, उसमें से 19 लाख 20 लाख के लगभग हमारे फरीदाबाद में हैं, तो हर 5वां आईपी हमारा फरीदाबाद में है। अभी जो हमारी इस फरीदाबाद के अस्पताल की जो स्वीकृत बेड संख्या है वो 650 की है, यहाँ की जब जानकारी लगती है तो जो कार्यरत है वो 750 है। वैसे फरीदाबाद और अलवर ज़्यादा दूरी नहीं है, फरीदाबाद और अलवर में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज अब हैं, मानेसर में भी एक 150 बेड का है, 500 बेड का हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, आगे बावल में भी हमने 150 बेड का करा है, गुड़गांव में भी हमारा 150 बेड का एग्जिस्टिंग है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो माननीय कृष्णपाल जी कह रहे थे कि क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी जब मैं
स्किल का उद्घाटन करके आया और आपका बोन मैरो यूनिट का उद्घाटन करके आया, तो एक प्रक्रिया हमारे यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कृष्णपाल जी कि इस नवरात्रे में आपने विषय रखा है, अगले नवरात्रे में आप भूमि पूजन भी करेंगे। हम 500 बेड की संख्या को ESIC अस्पताल में बढ़ाएंगे। उसकी प्रक्रिया में तीव्रता के लिए हमारे DG साहब बहुत सक्षम है, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे पिछले 1.5 साल में उनके और उनकी टीम ने देश भर में 9,960 बेड्स के इजाफे की स्वीकृति प्रदान करी है और अब हमने ESIC में बहुत तेज़ी से, जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका इंटरवेंशन हमने करा है। अब तो फ्यूचरिस्टिक योजना जो ESIC बना रही है उसमें तो हमारे जो श्रमिक अगर एम्बुलेंस से लाए जाएंगे तो हमने एक ऐसी योजना तैयार करी है कि जो डॉक्टर्स जब वो एम्बुलेंस में मरी जाएगा उसी समय से उसको हम कनेक्टिविटी करके उसका आ रहा है तो उसकी क्या स्थिति है, उस टेक्नोलॉजी को हम ESIC में लागू करने की योजना पे हम काम कर चुके हैं। हमने अपने पूरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। एक समय होता था कि हमारे ESIC में लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस शुरू नहीं होते थे, अब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसकी हर टारगेट एक डेट हमने तय करी है। ESIC में डेपुटेशन में हम चीफ इंजीनियर हमारे कर्नल साहब आर्मी से आए हैं, उनके नीचे एक पूरी टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक ESIC में काम करने वाले कर्मचारियों का विषय है, एक बहुत ट्रांसपेरेंट हम लोग पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के आए हैं। कई बार डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ वाले मेरे को कहते हैं, मैं कहता हूँ या तो मेरी चला लो या ESIC को चला लो। ESIC को चलाना है तो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और मिशन के आधार पर चलाना होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हमारा गवर्नेंस का मैकेनिज्म ही ESIC को मजबूत करेगा। और हमको यहाँ आने पर अपनी सर्विस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम एक सोशल सर्विस के नाते काम कर रहे हैं। अभी मार्केश में, मोरक्को में, दुनिया भर के देशों का सोशल सिक्योरिटी का, सभी देशों का कॉन्क्लेव हुआ था। ये 5 साल में एक बार होता है। DG साहब को कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मेडिकल सोशल सिक्योरिटी में संख्या की दृष्टि से, कैपेसिटी की दृष्टि से, मरीजों को सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से अगर कोई सबसे बेस्ट स्कीम है तो भारत की ESIC की स्कीम को स्वीकृत किया, क्योंकि हमारे संख्या का अर्थ हमारे 13.5 करोड़ IP हैं। हमारे सुविधा का अर्थ कि हम केवल प्राइमरी मेडिकल डिस्पेंसरी नहीं चलाते, हम स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं। और सुविधा का अर्थ यह है कि अब हमारा ESIC की जो स्कीम है इसमें सुविधा की कोई लिमिट नहीं है, प्राइमरी हो चाहे टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, अनलिमिटेड। एक बार अगर जो आता है तो उसकी सेवा करके स्वस्थ करना, उसके खर्चे में किसी प्रकार की कोई अपर लिमिट नहीं है, ऐसी स्कीम दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। और यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छी कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ें, अच्छा प्रेरणादायी माहौल हो, इसलिए एक लंबे समय से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को लगाने का बड़ा सराहनीय प्रयास किया गया है। और मेरा ये मानना है कि हम जब मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं और बाद में जब आप MBBS की डिग्री लेने के बाद हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है आपकी, और उसमें आप वास्तव में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के बाद मानवता की सेवा करने के लिए ही आगे निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के वो हमारे इंस्पायर करने वाली पर्सनालिटी या पुरुष, महापुरुष हैं जिन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसको समाज में जाकर के काम करना है उसमें साहस चाहिए, फिजिकल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल। हम फिजिकली कितने ही साहसी होंगे,
अगर हमारा मॉरल नहीं होगा तो अच्छे अच्छे पहलवान फिर पहलवानी छोड़ के जमीन के एनक्रोचमेंट में लग जाते हैं। तो जितने फिजिकली मजबूत होंगे उतने मॉरली मजबूत होंगे, जितने मॉरली मजबूत होंगे उतने इंटेलेक्चुअली मजबूत होंगे। और इसकी इसकी सबसे ज़्यादा अपने जीवन निर्माण करने में युवाओं से ज़्यादा किसी में आवश्यकता नहीं है। आज अगर हमारी बुनियाद एक ऐसे नौजवान के रूप में होगी जो फिजिकली भी हम स्ट्रांग है, मॉरली भी हम स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअली भी हम स्ट्रांग है, ऐसी युवा पीढ़ी अगर देश के चरित्र के निर्माण के साथ आगे बढ़ेगी तो मोदी जी के अमृतकाल के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा, विवेकानंद जी का जो संदेश है और खासकर मेडिकल शिक्षा के साथ भी है, ओबीडियंस एट ऑल लेवल, अपने पेशे के साथ, अपने मरीज के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपनी सरकार के साथ, ये जो कर्तव्य परायणता की भावना है ये हमारे को अपने अंदर विकसित करनी ही चाहिए। और इसलिए हमारे कॉलेजों में भी पिछली बार मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया था, आज मैंने कहा ज़्यादा इंटरेक्शन इसलिए नहीं हो पाएगा कि मिक्स क्राउड है, स्टूडेंट भी थोड़ा डर जाएंगे कि टीचर के बारे में प्रश्न पूछे या ना पूछे, तो मैंने कहा अलग से करने के माहौल में करेंगे। पर ये मान के चलना कि विवेकानंद जी की ये जो प्रतिमा है ये आपको हमेशा इस महाविद्यालय में शिक्षा लेते समय आपके जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य परायणता की वो शिक्षा देगी। तीसरा, एक जिंदगी में आप बड़ा बनने के लिए स्वामी विवेकानंद के, आजकल तो YouTube पे काफ़ी कर्मयोग के उनके संदेश उपलब्ध हैं और ये ज़माना तो पॉडकास्ट का है, और मैंने 2-3 बड़े अच्छे पॉडकास्ट पे स्वामी विवेकानंद जी के विशेष रूप से जो कर्मयोग के संदेश सुने हैं उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। पहला, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम दैट, और दूसरा, जब हम कोई भी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेते हैं, जब हम कोई भी काम को पूरा अपने हाथ में लेते हैं, और आप तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप सामान्य समाज से अब अलग हटकर एक विशिष्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को लेकर के अपने कॉलेज से निकलेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता है, वो है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट बट नॉट टू प्रोजेक्ट सेल्फ। ये क्षमता अगर आपके अंदर होगी, निर्भयता की क्षमता अगर आपके अंदर होगी, फिजिकली मॉरली और इंटेलेक्चुअली अगर आप मजबूत होंगे तो हमेशा आने वाली हर चुनौती को आगे से उसका सामना करोगे और सेल्फलेस होके करोगे, आप अपने जीवन में हमेशा विवेकानंद जी की तरह सफलता को प्राप्त करोगे। और ये जब सारी चीजें हमारे जीवन में आती है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी बात होती है क्लैरिटी इन विजन और गोल सेटिंग, और उसके लिए एक फोकस कमिटमेंट चाहिए होता है। मेरा ये मानना है कि आपके यहाँ जिम तो खुला ही है, लेकिन जिम के साथ साथ अगर आपके यहाँ कोई योगा हॉल और सेंटर खुलेगा, अगर आप थोड़ा मेडिटेशन भी अगर आप करेंगे तो अपने विजन की क्लैरिटी को लेकर के फोकस कमिटमेंट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के साथ आपके कॉलेज में आज विवेकानंद जी की प्रतिमा जो लग रही है ये निश्चित रूप से इस कॉलेज के वातावरण को अच्छी बनाएगी, इस कॉलेज में की भूमिका को बड़ा बनाएगी, और आपके कॉलेज का जो विस्तार करने की मैं आपके सामने एक अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर रहा हूँ, एक संकल्प को जाहिर कर रहा हूँ, वो फरीदाबाद के जो हमारे आईपीज हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उनके लिए भी लाभदायक होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब के लिए आध्यात्मिक और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए विवेकानंद जी ने जो प्रेरणाएँ दी हैं ये मूर्ति साक्षात उन प्रेरणाओं को आपके जीवन में लाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।